मुखर्जी जो थे ना वो वाइस प्रेसिडेंट थे, कभी पूछ लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट और एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। अब चलो थोड़ा सा अपन रटने का काम कर लेते हैं। देखो इधर देखो कि देखो कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं, अपन को रटने पड़ते हैं और कुछ टॉपिक समझने पड़ते हैं। ठीक है, समझने के लिए अपन को बेस स्ट्रांग करना पड़ता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने पहले बेस स्ट्रांग करा अपना, उसके बाद समझ में आई वो चीज़, फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो रटनी ही पड़ती है। ठीक है, जैसे कौन सी कमेटी का कौन हुआ तो उसका भी तरीका होता है, राइट। उसको भी बार बार अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना कि बार बार रटे जा रहे हैं भूले जा रहे हैं, इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार ही पढ़ो और उसको ही उसको याद कर लो। कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट असेंबली जब फॉर्म हुई तो उसके कुछ फंक्शंस हैं, उनको कैसे याद करा जाए। ठीक है, तो फंक्शंस को जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है ना, उसको अपन लिखते हैं NFSA, लिखते हैं ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो NFSA से याद कर लो कि उस वक्त NFSA अपन लेकर आए। ये क्या है, नेशनल फ्लैग सॉन्ग एंड एंथम। देखो बुक के अंदर फर्स्ट अदर फंक्शंस के अंदर क्या लिख रखा है, जल्दी देखो अदर फंक्शंस में है ना। तो अब इसके अंदर कुछ और आया कि नहीं आया तो इससे अपन को याद आ जाएगा NFSA तो, समझ में आया। फिर दूसरा क्या है, इस तरह से अपन को याद करना है कॉमनवेल्थ का, एक मिनट ये याद कर लेना कॉमनवेल्थ, समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि सर नेशनल क्या था, एंथम था कि सॉन्ग था कि फ्लैग था, कुछ याद नहीं आ रहा। उस वक्त कंफ्यूजन को हटाने के लिए NFSA अपन याद रखना था। इज दिस क्लियर। एक तो रटने की चीज इस टॉपिक के अंदर ये वाली है जो अब कभी नहीं भूलोगे, आप एक बार पढ़ लिया बस याद हो गया। ठीक है, दूसरी चीज होती है इसके अंदर कमिटीज, किस कमिटीज का कौन हेड कर रहा है, ये भी रटने का है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। तो इसको अपन रटते हैं कि किस तरह से अपन को इसको रटना है। चलो कोई भी कमेटी बताओ मेरे को। फर्स्ट कमेटी है पावर कमेटी। देखो उस वक्त अगर हम देखे जाए, इधर देखो सब बोर्ड पर कैसे याद करते हैं, देखो इन सब चीजों को, ये बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है। याद करो भूलो याद करो, तो ट्रिक्स बना लो इसकी, और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने भी जब फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में ट्रिक्स याद करी थी उसके बाद मैं भूला नहीं, खुद को बनानी होती है, पर ये बहुत अच्छी है तो आप यूज़ कर सकते हो। पावर उस वक्त सबसे ज़्यादा किसके पास थी, अगर हम देखें तो सारे लीडर्स के अंदर नेहरू के पास थी। तो पावर कमेटी कौन हेड करेंगे, नेहरू। ठीक है, नेहरू को ऐसा कहा जाता था कि नेहरू इज ए स्टेट्समैन। स्टेट्समैन क्या होता है, स्टेट्समैन मतलब जो कोट पैंट पहन रहा है, ठीक है, फॉरेन डिग्निटरी से बात कर रहा है। पटेल जो थे ना, पटेल तो देसी आदमी है, लोकल लीडर। ठीक है, लोकल लीडर तो नेशनल लीडर तो है ही, बट क्या है कि उनका ग्राउंड जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ज्यादा है। ये स्टेट्समैन है कौन, नेहरू। तो स्टेट्स कमेटी कौन होगा, नेहरू। समझ में आया, स्टेट्स कमेटी क्या है, नेहरू है। अच्छा और बताओ इसके अंदर और क्या दे रखा है। अच्छा जो प्रोविंसेस थी ना, प्रोविंशियल प्रोविंसेस थी, उसको किसने एक करा था, पटेल ने। तो प्रोविंशियल कमिटीज पटेल। ठीक है, और बताओ कमिटीज के नाम बताओ, मैं बताता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी सबके याद है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, और एडवाइजरी कमेटी, और उसके बाद ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी तो उसका हो ही गया। देखो माइनॉरिटीज सब कमिटीज का, देखो माइनॉरिटीज थी ना उस वक्त क्या था, मुस्लिम लीग उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ऐसे याद करो मुस्लिम लीग हर बात को क्या करती थी, हर बात पे मुखर जाती थी, तो मुखर्जी है ना बड़ा जी, तो हर बात पे मुखर जाती थी। कांग्रेस कुछ बोलती थी मुस्लिम लीग, तो SC मुखर्जी, वैसे याद कर लो, समझ में। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं,
फंडामेंटल राइट्स क्या है कि गवर्नमेंट क्या है सिटीजन्स को दे रही है, तो सिटीजन्स पे क्या कर रही है, कुछ कृपा कर रही है, कृपा समझते हो ना, तो कृपलानी ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और क्या होता है याद भी हो जाता है, कभी भूलोगे नहीं इस चीज को, समझ में आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, गवर्नमेंट सिटीजन के ऊपर कृपा कर रही है, तो कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, और बताओ अब देखो तीन चार कमिटीज, देखो प्रेसिडेंट का हमारी कंट्री में क्या काम होता है बताओ, क्या काम होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट होता है, पर कुछ पावर होती है क्या उसके पास, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में किसके पास ज्यादा पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अगर हम देखें ना तो कुछ करता नहीं है, खाली रहता है, खाली रहता है ना, तो इसको काम दे दिया कुछ, ऐसे सोचो एक काम दे दिया, कार को ड्राइव करना है, कार चलाने का, प्रेसिडेंट खाली है, कौन राजेंद्र प्रसाद है ना, उससे याद कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग कमेटी, वैसे स्टोरी से याद रखोगे बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कार चला रहा था ना, तो कार के ऊपर एक फ्लैग लगा रखा था, तो फ्लैग कमेटी, ठीक है। अब इसके पास कुछ काम नहीं है, कार चलाने के बाद कहाँ जाएगा, तो प्रोसीजर बना लो, प्रोसीजर कमेटी, समझ में आया, प्रोसीजर कमेटी को कौन हेड कर रहा है, राजेंद्र, ये सब राजेंद्र प्रसाद के बारे में अपनी बात कर, सिर्फ लर्न करने के लिए अपन ये सब समझ रहे, ठीक है, कि कार के लिए स्टीयरिंग कमेटी, फिर फ्लैग, कार के ऊपर फ्लैग, ठीक है, फिर कुछ नहीं है तो प्रोसीजर, फिर कुछ नहीं बचा तो भाई स्टाफ मेंटेन कर लो, तुम स्टाफ कमेटी, समझ गए। तो राजेंद्र प्रसाद की इस तरह से कमिटीज अपन को लर्न करनी थी, ये सारे राजेंद्र प्रसाद के हो गए, ठीक है। तो इधर देखो एक बार, राजेंद्र प्रसाद खाली बैठा है, प्रेसिडेंट है, तो कार चलाने को देते, मतलब स्टीयरिंग कमेटी, दूसरा कार के ऊपर फ्लैग, तो फ्लैग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ये तो याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। तीसरा अब और काम है, तो भाई प्रोसीजर बना दो, बैठे बैठे क्या करोगे, एक प्रोसीजर बना दिया, प्रोसीजर कमेटी। फिर चौथी पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि भाई अब स्टाफ भी तुम्हें मेंटेन करोगे, स्टाफ को भी, तो स्टाफ, कार और प्रोसीजर, इससे क्या होगा, ये राजेंद्र प्रसाद की कमेटी, समझ में। फिर नेक्स्ट कमेटी सुनो, बिजनेस कमेटी। अब बिजनेस कमेटी के अंदर कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, मुंशी, तो केएम मुंशी हो गया ना, लर्न केएम मुंशी, कभी नहीं बोलोगे मुंशी बिजनेस कमेटी, नहीं तो एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, उधर प्रेशर ऊपर से कंफ्यूजन हो, समझ में आया। फिर और अगर हम देखें तो एक है हाउस कमेटी, हाउस मतलब क्या होता है, घर। अब घर के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, पिता होता है, भाई होता है, सीता राम, पिता भाई सीता राम ही है ना, तो इसके अंदर ये हाउस बन गया ना, पूरा घर ही बन रहा है, पिता है, भाई है, सीता है, राम है, बड़ा धार्मिक घर है ना, तो ये पिता भाई सीता राम है, ऋषिकेश याद हो रहा है, ठीक है, हाउस कमेटी पिता भाई सीता राम। इस तरह से हमने देखा कि ये अपन को सारी कमेटीज अपन को लर्न होगी, ठीक है। पावर कमेटी की हमने बात करी थी, पावर किसके पास थी, नेहरू के पास, रिवाइज करते हैं, पावर कमेटी नेहरू के पास, कॉन्स्टिट्यूशन वाली कमेटी नेहरू के पास, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया जिसके पास पावर होगी, ठीक है। फिर स्टेट्समैन कौन था, नेहरू, तो नेहरू की तो तीन कमेटी इधर साइड कर दो, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर की, सबको पता है, बचपन से याद कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की चार कमेटी कौन कौन सी है, कार, कार से दो हो गई, स्टीयरिंग एंड फ्लैग, दूसरा स्टाफ को मेंटेन करना है, तीसरा प्रोसीजर बनाना, ये लर्न हो गया। फिर इसके बाद कौन सी कमेटी आई, प्रोविंशियल कमेटी, सरदार पटेल, पता है प्रोविंसेस किसने बनाई, सरदार पटेल ने बनाई। फिर इसके बाद हाउस बिजनेस कमेटी, बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, हाउस कमेटी पिता भाई सत्यारामैया, माइनॉरिटी कमेटी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट्स कृपा हो गई, कृपलान, समझ में। अब बताओ कितना टाइम लगा इसमें, 5 मिनट,
5 मिनट में तुम्हारा, 10 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर हो, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अपन को लर्न करना है, इस तरह से तुम्हारी पूरी पॉलिटी आगे के टॉपिक्स ये सब कुछ करवा देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है।